तो दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज हमने एक कबूतर पकड़ा है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वो कबूतर कौन सा पकड़ा है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैर से होंगे दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने अपने पिजन्स को दाना पानी डाल दिया है और ये दाना खा रहे हैं। अब हम इनको पानी डालते हैं तो फिर बाद में आपको मैं दिखा बताता हूँ कि मैंने कैसे पिजन पकड़ा। तो ये देखिए, मैं पानी भर रहा हूँ, पानी भर के मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तो ये ले, ये मैंने अपने पिजन्स को पानी रख लिया और ये पानी पीना स्टार्ट हो गए हैं सारे। तो बाकी भी हैं सारे, वो भी आस्ता आस्ता आ रहे हैं और पानी पीना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कबूतर कौन सा है जो मैंने पकड़ा है। दोस्तों वो हमारा कबूतर जो मास्टर केज में है, क्योंकि वो एक छतरी का कबूतर था। तो मैंने क्या किया कि मैं इनको दाना पानी डाल रहा था। दाना पानी डालते डालते ना मुझे अचानक ऊपर नज़र पड़ी तो वो उड़ रहा था। तो वो उड़ते उड़ते ना दोस्तों, वो ना एक दूसरे घर बैठ गया जाके। मैं आपको दिखाता हूँ वो घर कौन सा है। तो दोस्तों ये देखें, ये आपको घर नज़र आ रहा होगा, ये छतरी जहाँ लगी हुई है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर, वो यहाँ पर बैठ गया जाके दोस्तों। तो मैं उनके घर गया और उनसे लेके आ गया, मैंने कहा ये मेरा ही कबूतर है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। चुप चुप, बिल्कुल कंट्रोल कंट्रोल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बेटे बेटे, मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गजब बेइज्जती है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। नहीं। तो उन्होंने मुझे दे दिया, क्योंकि वो हमारे हमसाए थे तो उन्हें यही लगा कि ये इनका कबूतर है, तो मैं उनसे ले आया हूँ। मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ वो कौन सा। मैं आ गया हूँ मास्टर केज में, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कौन सा कबूतर है। आपको पता तो चल गया होगा, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते हैं आपको पता चल गया होगा कि वो कौन सा नया कबूतर है। तो दोस्तों वो ये वाला माशाल्लाह जो वाइट सारा ही कबूतर है ये वाला, मैं आपको इसको पकड़ के ना आपको फिर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको पकड़ लिया है और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, ये देखें इसकी ब्लैक आइज़ है, ये देखें ब्लैक आइज़ है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कबूतर, देखते हैं माशाल्लाह, है भी बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार दोस्तों ये दूसरों के घर में जाके ना वो छतरी है ना उस पर बैठा, तो मैंने कहा चलें यार ऐसा करते हैं कि ये वाले जो हमारे पिजन्स हैं ये भी छतरी पर लगे हुए हैं ना, और वो छतरी वो वाली है वो देखें। तो मैंने कहा चलें मैं ना इनको इनके साथ ही बांध दूंगा ताकि ये हमारे घर का पक्का हो जाए, एक दो दिन बांधेंगे फिर बाद में हम इसको उड़ाएंगे। तो ये देखें हमारे पाई डव जो है वो कैसे देख रही है बाहर, क्या पता नहीं क्या हो गया, ये देखें
दोनों, ये देखिए। और ये वाला जो पेयर है हमारा, एक अंडों पे बैठा हुआ है और एक नीचे दाना पानी खा रहा है। बाकी ये हमारी फिंचीज वगैरह हैं, ये देखें। ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई हैं, इनकी चूँचें हैं ना जो, वो भी ब्लैक से रेड होना स्टार्ट हो गई हैं। और कुछ वो देखें वहाँ पर बैठी हुई हैं, वो अपने पेरेंट्स से फीड मांग रही हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है चूँ चूँ की तो दोस्तों ये वाला जो पिजन है ना, ये हमारे ना दूसरा गाँव है जो, वहाँ से आया था। और एक मेरा दोस्त है वहाँ, उसने भी कबूतर रखे हुए हैं मेरे घर के पास ही है, तो उसने बताया कि ये वहाँ से आ रहा था, नहरों पार से आया। तो उसने जब छेड़ लगाई हो, या मेरे कबूतर अभी बंद थे मास्टर केज में, तो ये देखे लड़ रहा है। तो जब तक मैंने कबूतर निकाले तब तक ये हमारे हमसाए हैं, उनके घर बैठ गया जा अभी। तो वो ना दोस्तों वहीं मैं उनके घर गया और उनसे कहा कि ये मेरा कबूतर है, तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो दोस्तों ये गंदा बहुत हुआ हुआ है, ये देखें, ये है अभी छोटा सा और गंदा, देखें कितना हुआ है। और इसकी ब्लैक आइज़ है। और दोस्तों इन दोनों को मैंने आज उड़ाया था, ये काफ़ी देर तक उड़ते रहे हैं। और दोस्तों ये वाला सुस्त है, बीमार है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है ये बीमारी की? तो ये देखें दोस्तों ये कैसे उनको मार रहा है। ओ भाई ये तुम्हारे दोस्त हैं, इनसे लड़ो झड़ो ना। तो दोस्तों आज हम आपको लबड़ दिखाता हूँ, मेरे लबड़ के कितने बड़े बच्चे हो गए हैं। तो मैंने भी नहीं 3-4 दिन हो गए देखा। और दोस्तों वो देखे फिंचीज के चिक्स हैं जो, वो बाहर आ गए हैं मटकियों से, बाहर आके वो फीड करवा रही है उनको उनकी माँ। ये देखें वो देखें, ये देखें वो देखें चिक्स, और ये वाली फीमेल वो देखें वो फीड करवा रहे हैं, वो देखें पेरेंट्स उनके। तो मुझे लगता है कि हम ना इनको निकाल के हम अपनी वो जो कॉलोनी है ना, वो देखें जहाँ बल नज़र आ रहा है आपको, वहीं इनको शिफ्ट कर दें। क्योंकि यार इनको लहदा दाना पानी करना पड़ता है, और दूसरी बार सर्दी आ गई है तो उधर तो बल्ब लगा होता है, इधर कौन सा बल्ब लगा है? तो ये तो बल्ब यहीं लगा हुआ है ना, ये देखें। तो यहाँ इनको इतनी हीट नहीं आती होगी। तो मैंने कहा चले हम वो कॉलोनी में इनको डाल देंगे। तो मैं आपको लबड़ के चिक्स दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन हो गए मैंने खुद नहीं देखे। तो चले मैं आपको लबड़ के चिक्स दिखाता हूँ, और वो यहाँ है। तो मैं ये खोल लिया, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह लबड़ के चिक्स। चल पीछे हो जा, सामने देखन दे, दोनों पूरे ही है ना, एक कदम मर गया है। दोस्तों मुझे तो यहाँ से नज़र नहीं आ रहे सही तरीके से, आप बताइएगा कि कितने चिक्स हैं। तो बाकी ये वाली जो हमारी डव है, ये सुस्त होकर बैठी हुई हैं सर्दी में, वैसे भी ये सुस्त हो जाती होती हैं। तो ये देखें कैसे फूल के बैठी हुई हैं ये सारी, ये देखें। तो बाकी दोस्तों ये आपको जो फिंचिस के बच्चे हैं उनको चिल्लाने की उनकी आवाज़ सुन रही होगी। तो इनको मैं अभी दाना पानी दाना डाल दिया था इनको, अभी पानी मैंने इनको नहीं डाला, क्योंकि दोस्तों पानी है ठंडा, तो हम नीचे से गर्म करके फिर आपको ला के दिखाते हैं। तो मैं आपको वो चिक्स दिखाता हूँ दोस्तों, जो मटकी के बाहर बैठ के अपने पेरेंट्स से फीड ले रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, अब चेक करें कि कैसे ये माशाल्लाह 4-5 चिक्स हैं, और चारों पाँच ही दोस्तों माशाल्लाह बाहर आके बैठे हुए हैं। और एक का दोस्तों कलर देखें सारा वाइट है, और जो इसकी चूँच है उसके ऊपर से देखें बिल्कुल ज़्यादा वाइट नज़र आ रहा है। वो बाकी 3-4 चिक्स वो देखें आपको मटकी के बाहर ही नज़र आ रहे होंगे, ये देखें ये देखें। तो वो जो उसके साथ बैठी हुई है वो फीमेल है, और ये नीचे जो है ये वाला मेल है ये वाला। तो हम चलते हैं बाहर और बाकी कबूतर देखते हैं, उनको दाना पानी हमने किया था वो खा पी लिया उन्होंने कहीं। दोस्तों इतनी सर्दी है और इनका काम चेक करें, ये नहा रहे हैं, ये देखें इनके काम चेक करें, बाद में इनको सर्दी लग जानी है। हम इनको और दाना पानी दाना थोड़ा सा और डाल देते हैं, देखते हैं कि ये खाते हैं कि नहीं। ओह आह 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 आह। तो ये ले मैंने इनको और दाना पानी डाल दिया, और ये अब खा रहे हैं। और जो मैंने वो कबूतर पकड़ा है इंशाल्लाह हम उसको ना जल्दी हम वो अपनी छतरी पे लगाएंगे दूसरे कबूतरों के साथ, और फिर मैं आपको उड़ाकर दिखाऊंगा। ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।